हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी की डेली क्विज की सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के द्वारा डेली 10 क्वेश्चन की एक जो क्विज है वो रात में 9 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जा रही है। तो जिन भी दोस्तों को कभी ना कभी प्रीलिम्स का एग्जाम देना है वो हमारी जो डेली क्विज चल रही है उसको ज्वाइन करें। फ्री में यह इनिशिएटिव लिया गया है और आप लोग उन क्विज में पार्टिसिपेट करके अपने जो डेली 10 क्वेश्चन है उनको दे करके अपनी जो प्रैक्टिस है प्रीलिम्स की उसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए आज के जो क्वेश्चन अपलोड हुए हैं वो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, आज दरअसल 10 क्वेश्चन अपलोड किए गए, 10 वन लाइनर क्वेश्चन थे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वहां पर आपको आवश्यकता होगी हर क्वेश्चन को सही करने में। ठीक है, एक बार हम देखना शुरू करते हैं। लिखा है कि निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव इफेक्ट कौन सा नहीं है। चार विकल्प यहां पर दिया हुआ है। पहला है हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, दूसरा है जैव विविधता की हानि, नगरीकरण और मृदा अपरदन। आप लोगों को यह बताना है कि डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, एक बात आप समझिएगा दोस्तों, अगर निर्वनीकरण होगा तो जो हिमालय में जो जल स्रोत है वो सूखेंगे और आपको पता है इसी के कारण से कई घटनाएं घट रही, जैसे कि GLOF, ठीक है, ग्लॉफ घटना है, वो भी लगभग एक प्रकार इसी का एक प्रकार है। ठीक है, जैव विविधता की हानि, तो जैव विविधता की हानि भी होगी अगर निर्वनीकरण होगा तो। ठीक है, नगरीकरण और मृदा अपरदन, तो मृदा अपरदन तो होगा। अब देखिए, नगरीकरण और निर्वनीकरण इसमें कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ठीक है, एक बात आप समझिएगा, इसमें कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि अगर निर्वनीकरण हो रहा होगा तो जो नगरीकरण की जो चीज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक यहां पर नहीं बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, नगरीकरण। ठीक है, यह बात आपने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है। ठीक है, चार विकल्प है, जल विद्युत की कमी, कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास, तापीय ऊर्जा की कमी और कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस क्या होती है ये यहाँ पर पूछा गया, तो आप सभी जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर जो जीवाश्म ईंधन के जो स्रोत हैं वो अगर समाप्त होने लगेंगे तो उसी को हम लोग एनर्जी क्राइसिस के तौर पर जानते हैं। ठीक है, इतिहास में कब ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है ये आप लोग एक बार सर्च करके हमको बताइएगा और उस ऊर्जा संकट के कारण किस संस्थान की स्थापना किया गया इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे देना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। ठीक है, चार विशेषताएं दी हुई है। पहला है कि प्रकृति पर अधिक निर्भरता, तो जो भारतीय कृषि है दोस्तों वो प्रकृति पर बहुत निर्भर होती है, यह कथन सत्य। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मानसून के कारण, मानसून जो होता है वो भारतीय कृषि को बहुत व्यापक स्तर पर प्रभावित करता है। ठीक है, अच्छा, उत्पादकता का निम्न स्तर, तो ये भी हमारे यहाँ की समस्या, जो हमारी कृषि है उसकी जो उत्पादकता, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो स्तर पर अभी है। ठीक है, फसलों की विविधता, तो हमारे यहाँ फसलों की तो विविधता होती है ये मैं मानता हूँ। ठीक है, तमाम तरह की फसलें हमारे यहाँ उगाई जाती हैं। बड़े खेतों की प्रधानता, बड़े खेतों की प्रधानता कहाँ पर होती है दोस्तों, जनरली जो सूटकेस फार्मिंग होती है, आपने सूटकेस फार्मिंग के बारे में सुना होगा, तो जो सूटकेस की फार्मिंग USA और कनाडा से एरिया में होती है वो हमारे यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ बड़े खेतों की जो प्रधानता उसकी कमी है। हमारे यहाँ खेत कैसे हैं, तो हमारे यहाँ खेत छोटे हैं। ठीक है, जहाँ पर जो परिवार होता है वो सिर्फ अपनी निर्भरता के लिए खेती करता है, ये ऐसे खेत हमारे यहाँ ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा कि बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि, चार विकल्प है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, ब्याज दर बढ़ती है। ठीक है, अब देखिएगा, बेरोजगारी में और जनसंख्या के बढ़ने में डायरेक्ट लिंक नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन लिंक बन सकता है। ठीक है, कई जनसंख्या सिद्धांत जो होते हैं वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि बेरोजगारी के कारण जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, तो बेरोजगारी के कारण मांग घटनी चाहिए। ठीक है, तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी नहीं। ब्याज दर बढ़ती है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेरोजगारी अगर है इसका मतलब है कि जो व्यक्ति, जैसे मानिए अगर आप बेरोजगार हो गए, या सॉरी मानिए मैं बेरोजगार हूं, तो मैं गरीबी रेखा से नीचे जो श्रेणी होगी वहां पर अपने आप धीरे धीरे खिसकता जाऊंगा। ठीक है, तो गरीबी रेखा से नीचे जो बिलो द पॉवर्टी लाइन होती है, BPL होता है, उसमें जाने की प्रवृत्ति लोगों की बढ़ती जाती है। इस कारण से, बेरोजगारी के कारण गरीबी की जो संख्या है वो बढ़ती है। ठीक है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, जो भारत में डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा आप लोग। प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, चार विकल्प है यहाँ पर, संविधान जो है भारत का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटेन है। सेकेंड है कि यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं, ये बात कह रहा है। फिर कह रहा है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है,
और यह राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तो भारत में डीपीएसपी है दोस्तों, क्योंकि तो जनता है वो सरकारों को चुनती और बदलती है, ठीक है, तो सी विकल्प यहां पर सही होगा, ठीक है। सॉरी, देखिए एक बात और समझिएगा आप लोग, अगर जो भी इस क्विज को अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी जो होना चाहिए अप्रोच वो क्या होना चाहिए, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपके सामने ऊपर आंसर यहां पर लिख करके आ जाएगा तुरंत, ठीक है। जैसे कि मानिए इस क्वेश्चन को अगर मैं गलत करता हूं तो मेरे सामने यहां पर आंसर अपने आप लिख करके आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने आंसर सही किया हुआ है तो यहां पर जो बल्ब आइकन दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आंसर यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग अप्रोच को इस क्विज को अटेम्प्ट करिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों अभी हम लोग इस क्विज को करने के बाद थोड़ा चर्चा करेंगे कि कैसे नोट्स बनाए जाए और कैसे हम लोग इस जो क्विज के साथ अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था, ठीक है। चार विकल्प है, चालुक्य, राजपूत, गुप्त और मौर्य। तो आप जानते होंगे दोस्तों गुप्त और मौर्य का तो आपको एग्जैक्टली पता होगा, राजपूत भी आप जानते होंगे कि कहां पर शासन किया इन्होंने। चालुक्य डायनेस्टी, जो चालुक्य वंश है दोस्तों, करीब 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक यह रहा था, ठीक है। और इसकी जो राजधानी थी वो थी वातापी, कर्नाटक का जो बादामी क्षेत्र है वातापी, वहां पर इनकी राजधानी थी। तो इन्होंने उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्षिण भारत में शासन किया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, चालुक्य, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोगों ने गलत आंसर टिक किया हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अगला कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन, ठीक है, व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ, ठीक है, आमरण अनशन उन्होंने कब स्टार्ट किया था। चार विकल्प है, कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय और दिल्ली के दंगों के समय, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर कलकत्ता का दंगा तो बहुत बाद में हुआ, ठीक है, तो इसको तो आप हटा ही दीजिए। दिल्ली का दंगों का एग्जैक्टली टाइम पीरियड क्लियर नहीं है। जलियांवाला बाग हुआ था आपको 1919 में और कम्युनल अवार्ड हुआ था आपको 1932 के राउंड में, ठीक है। तो इन दोनों के किसी एक समय में महात्मा गांधी ने किया होगा, क्योंकि महात्मा गांधी पहले कर चुके थे। अच्छा, अब जलियांवाला बाग के समय वो आमरण अनशन पर नहीं बैठे थे, वो आमरण अनशन पर कब बैठे, जब वो यरवदा जेल में थे मेरे हिसाब से, और उस समय जब प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था, रेमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, उनके द्वारा सांप्रदायिक सिद्धांत लेकर के आ गए, कम्युनल अवार्ड लेकर के आया गया था, उस टाइम पर इन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए थे। और उसके बाद ही जो है फिर भीमराव अंबेडकर और इनके बीच में जो है एक संधि होती है, ठीक है, तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। जिन दोस्तों ने सीजन की आंसर राइटिंग ज्वाइन की होगी वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे और सही किए होंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले सीजन की जो आंसर राइटिंग हुई थी वहां पर हमने इस क्वेश्चन को कराया हुआ था, ठीक है। अच्छा, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। चार विकल्प है, झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो आप सभी जानते हो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, और चित्तौड़ का बिरुख जाइए, जगदीशपुर में था आपके वीर कुंवर सिंह, ठीक है, जो भागलपुर जगदीशपुर का जो एरिया होता है वहां पर ये, लखनऊ में थे आपकी बेगम हजरत महल, ठीक है। तो झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ, ये तीनों ने जो 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था ये क्लियर है, चित्तौड़ ने नहीं किया था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा और इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स है दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट में ही 15-20 दिन पहले जो गवर्नमेंट है उसने मध्य प्रदेश के जो ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसको पूरा आधुनिकीकरण किया है, उसको नया बनाया है, बहुत बेहतरीन बनाया गया है, ठीक है, और उसका नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम पर रखा गया है, ठीक है। रानी कमलापति कौन थी ये आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है और कमलावती पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो रानी कमलावती के बारे में आप लोग पढ़िएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि रानी कमलावती क्यों थी और हिस्ट्री में क्यों ये फेमस थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीले दर्पण के लेखक कौन थे, ठीक है। नीले दर्पण ये जो बुक है इसकी चर्चा बहुत बार होती है, जिन्होंने भी आधुनिक भारत की कहानी पढ़ी होगी उनको इस पुस्तक के बारे में पता होगा, दीन बंधु मित्र के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है, और यह नील विद्रोह, जो नील विद्रोह हुआ था उस पर आधारित एक पुस्तक थी, तो यह आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट हो चुके हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे साथी हैं, वो इस क्विज को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने वाले जो दोस्त हैं वो लगातार बढ़ रही है, तो आप लोग भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ देखिए, इस क्विज की जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला था कि इस क्विज की जो खासियत है वो खासियत क्या है, ठीक है। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है वो खासियत ये है कि इस क्विज में आप लोग इस क्विज को अटेम्प्ट करते हुए रेगुलर प्रैक्टिस कर सकेंगे, ठीक है।
डेली जो 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, और आप में से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% दोस्त रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा मैं 90% की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। आप में से 90% दोस्त रेगुलर टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं कर रहे होंगे, इसलिए ये जो यूपीएससी हिंदी द्वारा जो क्विज चलाई जा रही है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा यूपीएससी हिंदी डेली टेस्ट सीरीज भी प्रॉपर चला रहा है, ठीक है, यूपीएससी की भी और पीसीएस की भी, जिसकी जो कॉस्ट है जो प्राइस है वो आप कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और वहां पर नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है, 8840751912, इस नंबर पर आप मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज हमारी अलग चल रही है, डेली क्विज का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और इसके माध्यम से जैसे कि मानिए अगर समझिएगा, मानिए यहां पर हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अभी ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप लोगों का जो बेसिक अप्रोच है वो तैयार हो सके पहले, ठीक है। इतनी ठंडी है कि दरअसल तबीयत सबकी खराब हो ही जा रही है, ठीक है, अगर एक बार भी आप ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक पी लें तो तबीयत निश्चित तौर पर आपका जो गला है वो खराब हो जाएगा। और हमारे साथ समस्या क्या है दोस्तों कि हम लोगों को सब कुछ वीडियो के थ्रू जब पढ़ाना होता है तो हमारी आवाज़ ही सब कुछ मैटर करती है, ठीक है। अब आवाज़ ऐसे गला खराब हो जाए तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो क्विज है, ठीक है, तो इस क्विज को आप लोगों को रेगुलर अटेम्प्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात, इस क्विज को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट करने वाले दोस्त हैं वो बढ़े, तब आपको अपना कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, और जो हमारी पहले की क्विज चल रही है उसमें कितने लोग लगभग इस क्विज को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आप यहाँ पर देख बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, हिंदी में करीब 750 लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है, और अंग्रेजी में वही करीब 370 लोगों ने इस क्विज को अटेम्प्ट किया, तो करीब यहाँ पर आपका 1200-1300 के अराउंड जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो ये क्विज हमारे द्वारा अटेम्प्ट की जा रही है दोस्तों, अभी 1200-1300 लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप इस ग्रुप मेंबर्स का नंबर दे सकते हैं, यहाँ पर ग्रुप मेंबर दिख रहा होगा आप लोगों को, 12750, ये अभी हमारे सब्सक्राइबर है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और उसमें से 1200 के अराउंड सिर्फ दोस्त दे रहे हैं, और वही आंकड़ा मैंने आप लोगों को बताया कि 90% स्टूडेंट डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और यूपीएससी हिंदी का जो मेन मोटो है दोस्तों, मेन मोटो क्या है, सिद्धिर भवति कर्मजा, अर्थात जो सक्सेस है, सक्सेस इज अचीव थ्रू द एफर्ट, ठीक है। आप जितनी एफर्ट करेंगे, आप जितना मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिल पाएगी, ठीक है। आप सभी ने वो कहानी सुनी होगी, कौन सी, कछुआ और खरगोश की, ठीक है। तो कछुआ क्यों जीतता है, क्योंकि वो लगातार अभ्यास कर रहा होता है, ठीक है। वही आपको बनना है, आपको 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करनी है तब जाकर के आप जीतेंगे, ठीक है। आप खरगोश नहीं बन सकते कि आप एग्जाम से जस्ट एक महीना पहले, हाँ मुझे अब तो होश आ गया, अब मुझे जो है डेली टेस्ट सीरीज देनी है, अब मैं लगातार आने वाले 30 दिन में डेली जो है 30 सीरीज अटेम्प्ट करूंगा और फिर मैं एग्जाम देकर के आऊंगा और मैं फिर रोऊंगा कि सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी, आपको खरगोश नहीं बनना है, आपको कछुआ बनना है, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको समझ रहे हैं, आपको लगातार और कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। तो वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी जो बचपन में पढ़ाई जाती थी हम लोगों को, वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। हम लोगों ने बचपन में वो सारी कहानियां पढ़ी होती हैं, ठीक है, मॉरल वैल्यूज के तौर पर, जो एथिकल वैल्यूज की जो कहानियां होती है वो हमने पढ़ी होती है, लेकिन हम उसको अपने लाइफ में कभी फॉलो नहीं कर पाते। तो ये ध्यान रखना है, वो गलती हमें यहां पर नहीं करनी, आपको कछुआ बनना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस टेस्ट सीरीज से ये जो क्विज चल रही है इससे आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। जैसे कैसे, मैंने यहाँ पर जब आपको 1857 की क्रांति के बारे में बताया तो मैंने आपको बताया कि झांसी से किसने नेतृत्व किया था, जगदीशपुर से किसने किया था और लखनऊ से किसने किया हुआ था, ठीक है। तो ये तीनों आपको अगर नहीं पता है तो आपके नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में शामिल होना चाहिए कि लखनऊ से बेगम हजरत महल का नाम आता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे रानी कमलावती के बारे में मैंने आपको बताया, तो रानी कमलावती के बारे में अगर आपको नहीं पता है आप तुरंत पढ़ करके इसका नोट्स बनाइए। देखिए, ये सिर्फ क्विज अटेम्प्ट करने के लिए नहीं है, इससे आप नोट्स बना करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर कम्युनल अवार्ड के बारे में है, अगर कम्युनल अवार्ड के बारे में आपको नहीं पता है तो आप नोट्स बनाइए, और अगर आपको पता भी है तो अगर आपने क्वेश्चन गलत किया, जैसे कि यहाँ पर 30% और 16 करीब 46% लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, तो आपको अपने नोट्स में लिखना पड़ेगा, जिन दोस्तों ने इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया है उनको अपने नोट्स में लिखना पड़ेगा कि पहला आमरण अनशन गांधी जी के द्वारा कम्युनल अवार्ड में किया गया था। जैसे कि हम लोग याद करते हैं कि पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया था, ठीक है, बाकी सब चीज़ याद करते हैं, वैसे ही ये बात आप लोगों को यहाँ पर नोट करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब जैसे चालुक्य डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो आप नोट कर सकते हैं कि चालुक्य डायनेस्टी की जो राजधानी है वो कहाँ पर थी, इसने कब से कब तक शासन किया था, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में शामिल होनी चाहिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आपके शामिल
होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा एक बार यहाँ पर मैं जो डिस्कशन ग्रुप है हम लोगों का यूपीएससी हिंदी परिवार का जो डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पर हम लोग आप लोग शामिल होकर के, ठीक है, ये देखिए इस डिस्कशन ग्रुप में करीब 1933 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आप ये डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आप जो एडमिन है, जो टीम है और बाकी जो इस पूरे परिवार के आप सभी यूपीएससी हिंदी परिवार के सदस्य हैं, तो आप सभी इस परिवार से जुड़ करके अपने जो डाउट्स हैं वह यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, जल्दी जल्दी में। सॉरी, ये नहीं, हाँ ये भी नहीं। इस क्विज के संदर्भ में कुछ लोगों ने डाउट पूछे था दरअसल, मैं वो देख रहा था अभी। हाँ देखिए ये क्विज आपके यहाँ समाप्त हुई। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, ये किसी ने पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया सर, ठीक है, सिंह सर जो भी आप हैं, कि निर्वनीकरण का जो डिफॉरेस्टेशन जो इफेक्ट होता है दोस्तों, उसका डायरेक्ट लिंक नगरीकरण से नहीं है, यही बात यहाँ पर समझते हैं। बाकी जो तीनों विकल्प दिए थे उसका और निर्वनीकरण का, डिफॉरेस्टेशन का डायरेक्ट लिंक बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा ऐसे ही एक बात और देख लेता हूँ मैं यहाँ पर, चार रॉन्ग हुए, तीन रॉन्ग हुए, एनालिसिस की कमी है यहाँ पर। तो देखिए एनालिसिस आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है, और एनालिसिस करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। ओनली दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, ठीक है, अतुल यादव सर, ठीक है, ओके। हबीबगंज करंट अफेयर्स आपको तैयार नहीं होगा, इसका मतलब है पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे आते हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, चार रॉन्ग, ठीक है। देखिए बहुत से लोगों की जो रॉन्ग करने की जो फ्रिक्वेंसी वो ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, तो ध्यान रखना है, इसको बार बार थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस क्विज को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, इस सीरीज को समाप्त करते हैं। आप सभी हमारे दोस्त जो हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दूसरी बात दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत।